पानीपत में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की कार पर दो युवकों ने ईंट से हमला कर दिया। हमले में कार के शीशे टूट गए, लेकिन गनीमत ये रही कि अनिल विज बाल बाल बच गए। रोड के आगे खड़े हुए थे, गाड़ी के आगे जहाँ गमले वगैरह रखे हैं वहाँ पे खड़े हुए थे, पीछे हाथ खड़े हुए थे, पता ही नहीं था किसी को, पुलिस को या किसी मुलाजिम को हाथ में क्या है। जैसे ये बैठे गाड़ी में मंत्री जी, तो एकदम से इंटरलॉक ईंट थी जो गुटती है, जो इंटरलॉक गलियों में लगती है, वो गमलों के पास में कहीं रखी, वहाँ से उठा के एकदम से पीछे पूरे प्रेशर से ईंट मारी दबा के, ये बीच में लगी बच गए मंत्री जी, वैसे कोई चोट नहीं आई। अभी अनिल विज ने इस घटना को पुलिस की बड़ी चूक बताया है। सीएसटी एक्ट के सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, ये दोनों उसका विरोध कर रहे थे और उसके कारण उन्होंने ऐसा किया। सर, लेकिन इसमें सरकार का कोई दोष नहीं, कोर्ट का आदेश है, सरकार पे क्यों नाराजगी? नहीं, अब वो उनके अपनी समझ है, अब उसके ऊपर क्या कह सकते। सर, कौन लोग थे ये पता लग पाए? बताया एक महावीर कॉलोनी से और एक शांति नगर, तो पहले से प्री प्लान से आए थे सर ये आपकी गाड़ी में हमला करने के लिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वीआईपी की सिक्योरिटी कमर है, उसको रिव्यू भी करना पड़ेगा, इसके शराब भी देते हैं दोनों। नहीं, उसमें पुलिस की चूक तो है ही है, तो उसके लिए हमने इनको कहा है कि इसका उनको ध्यान रखना चाहिए। दोनों हमलावर पानीपत के ही निवासी हैं। दोनों युवक सुप्रीम कोर्ट के SC ST एक्ट पर दिए गए वर्डिक्ट से नाराज थे। पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है। मैंने पत्थर उनकी गाड़ी के जो फ्रंट मिरर था उस पे फेंका है और मौके से हमने दो लड़कों को कस्टडी में लिया है। दोनों पानीपत के ही रहने वाले हैं। हमारी टीम अभी पूछताछ कर रही है, पूछताछ के बाद जैसी अपडेट्स आएंगी वो आप लोगों के साथ शेयर। सर, कितने बजे घटना थी और कहाँ के निवासी हैं दोनों? दोनों पानीपत के निवासी हैं। घटना जैसे ही ग्रीवेंस मीटिंग खत्म होने के बाद मंत्री जी अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे, लगभग 2:45 बजे की। अनिल विज पानीपत में लघु सचिवालय में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में हिस्सा लेने आए थे। अनिल विज बैठक के बाद कार में ही बैठे थे कि दो युवकों ने कार पर पथराव करना शुरू कर दिया। पानीपत से देवेंद्र शर्मा, फोकस हरियाणा।